गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा कि पेपर किस तरीके का था, क्या लेवल था, डीआई और पजल्स ने कितनी बजाई या लोगों ने बजा कही उनकी। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो नितिन का निरीक्षण को ज्वाइन कर लेना, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना। एक बात पूछनी थी मुझे आपसे, आपने अभी तक अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब किया या नहीं किया? अगर नहीं किया होगा ना तो जल्दी से जल्दी जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं उसको एनरोल करने के लिए। कल से अनअकैडमी के प्राइस बढ़ जाएंगे और आप भी जानते हो नेक्स्ट मंथ हमारी सारी मेंस है। तो गाइस एक चीज बोलूंगा, मेंस का जो कंटेंट होता है ना वो भी अच्छे लेवल का फ्री में मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब करो, लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जल्दी जाओ। क्यों वहां पे? क्योंकि वहां बहुत बड़े अच्छे एजुकेटर्स हैं, टीम एवीपी, अंकुश लांबा सर, आशीष सर, कपिल काटपाल, इवन टीम नासा एंड मेनी मोर यार। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, 10% डिस्काउंट मिलेगा यदि मेरा कूपन कोड NS2021 अप्लाई करते हो। और कोई नया है अनअकैडमी पे तो वो ऐप डाउनलोड करे और मेरा कोड NS2021 अप्लाई करके फ्री में जितने भी मतलब चीजें हैं अनअकैडमी पे वो सबको वो एक्सपीरियंस कर सके। अब यदि गाइस मैं बात करूं आज के पेपर को लेके, तो गाइस ये चीज आपको भी पता थी और मुझे पता थी, कहीं ना कहीं जो अपकमिंग मतलब जैसे कि आज जो बच्चे पेपर दे रहे हैं इन लोगों को थोड़ा बेनिफिट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर दे चुके होंगे लोग। सेकेंड चीज, जो मॉक टेस्ट होगी वो भी अपडेटेड हो चुकी होगी। थर्ड थिंग, इन लोग को टाइम मिल गया है। मेन चीज ये थी, टाइम मिल गया। अब यदि बात करूं पुराने लोगों की, टाइम नहीं मिला, एकदम से 7 को नोटिस आता है कि एग्जाम कैंसिल, 8 को नोटिस आता है एडमिट कार्ड आउट, 12 को हमें पेपर देना है। तो आप भी समझ सकते हो गाइस कि एक पेशेंट साइंस मतलब शांत दिमाग से एग्जाम देना और एक बेचैन दिमाग से एग्जाम देने में बहुत डिफरेंस होता है। अब ज्यादा मैं थ्योरी वाली बातें करूंगा नहीं, बताता हूं पूछा क्या गया है। गाइस सबसे पहले मैं जितने लोगों से मैंने बात किया, थिंक मैं मोर देन 8-9 लोगों से बात कर चुका हूं, सभी बोले सर हमारे अटेम्प्ट मोर देन 50 प्लस थे, किसी किसी के तो 61-62 भी गए। गाइस आरआरबी के अंदर आप भी जानते हो कि एक्यूरेसी बहुत लोग अच्छे रखते हैं, ज्यादा तुक्के नहीं मारते क्योंकि यहां पर इंग्लिश नहीं है। सो गाइस मैं बात करूं सबसे पहले मैथ सेक्शन की, आप लोग बताना मुझे कि ऐसा ही था कि नहीं था। अप्रोक्स के 6 क्वेश्चन थे, कुछ लोग बोले 5 थे, कुछ बोले 6 थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 6 और 5 में, नंबर सीरीज मिसिंग थी, 6 क्वेश्चन थे। मेन जो थी पंगा वो था डेटा इंटरप्रिटेशन का। बहुत लोगों ने बोला कि जो डीआई था हमारा लाइन ग्राफ वाला वो टफ बोले थे लोग। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे वो इफ वाले थे कि इफ ये इतना था तो वो उतना था, तो वैसे वाले क्वेश्चन हमेशा टफ होते हैं। प्लस डीआई इनने मॉडरेट बोली। अब गाइस डीआई के जो क्वेश्चन थे वो थे 6-6 क्वेश्चन। एक डीआई जो थी वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर पे थी, एक्सपेंडिचर सेविंग का परसेंट दिया हुआ था और इनकम समथिंग कुछ थी, 5 लोगों का समथिंग था। एक था कि 5 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब जनवरी से लेकर मई तक मंथ है, और मॉल्स में वो लोग विजिट कर रहे हैं प्लस कुछ चीज वो लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेटा था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लेवल था वो डीआई में हाई था। प्लस बहुत लोगों से सुनने आया कि अरिथमेटिक काफी क्वेश्चन थे, लाइक मोर देन 10 प्लस क्वेश्चन पूछे गए अरिथमेटिक में। 2 क्वेश्चन मेंशन के थे, 1 क्वेश्चन अपना सीआईएसआई का था, प्रॉफिट एंड लॉस से था क्वेश्चन, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम का था। गाइस एक चीज बोल सकता हूं आप लोग को, यदि जो बंदा आज के शिफ्ट में मैथ्स में 24 या 25 प्लस बना के आया है वो कहीं ना कहीं सेफ समझो। क्यों? क्योंकि यार 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स, 6 क्वेश्चन सीरीज, 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, और यदि वो डीआई 12 क्वेश्चन में से यदि 7 भी करके आता है तो कहीं ना कहीं 18+7=25 तो होते हैं। यदि उसने कुछ भी किया होगा ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं 20-22 मिनट में आराम से बना सकते हो, इनका प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। अब यदि बात मैं करूं कहीं ना कहीं रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन लोग बोले इजी आया। अब ये जो पेपर दे के आए उनसे मैंने पूछा, मैं अपने मन से कुछ बोल भी नहीं रहा हूं। तो रीजनिंग में जो लोगों की अटेम्प्ट रही है वो कहीं ना कहीं रही है 30, 28, 27 प्लस रही है 40 में से, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अटेम्प्ट है। तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी डायरेक्ट वाले थे, ऐसा मतलब वो नहीं था कोडेड वोडेड नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन सिलॉग के आए, 4 से 5 क्वेश्चन सिलॉजम के थे, ओनली या फ्यू का कंसेप्ट पॉसिबिलिटी जो हमारे एग्जाम में पूछी थी वही उनके भी पूछी गई है। उसके बाद 8 लोग हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, 4 बाहर देख रहे, 4 सेंटर देख रहे, 5 क्वेश्चन थे फ्लैट फ्लोर वाले पजल थे, और फ्लैट फ्लोर और फ्लोर वाले पजल पे कितने थे
छह क्वेश्चन थे और पांच फ्लोर दो फ्लैट, मतलब टोटल दस, टोटल दस लोग बैठे उसमें। उसके बाद सात लोग हैं, सात अलग अलग कलर को लाइक कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं टेबुलर बेस मैं बोल सकता हूं पजल बनाई गई है। उसपे चार क्वेश्चन थे और अनसर्टेन पजल थी, लीनियर में थे, लोग नॉर्थ फेसिंग थे और 17 उसका आंसर आ रहा था जितना आपको लोगों से सुनने मिला है। और उसके ऊपर आपको तीन क्वेश्चन देखने मिले प्लस ऑर्डर एंड रैंकिंग के थे कि सात लोग थे, सात लोग अलग अलग उनके पास नंबर ऑफ फ्रूट थे, उस पर भी तीन क्वेश्चन थे और शेड्यूलिंग का पजल थे, लाइक दस लोग हैं, दस मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर, जिसमें फरवरी और जून महीना नहीं था। और उसके बाद आपको जो मिला है मिसरीनियस के अंदर, मिसरीनियस में गाइस ऐसा था, नंबर दिया था 954872, इसमें यह था कि इवन में प्लस वन करना है, ऑड में माइनस टू करना है, तो कौन सा नंबर ट्वाइस आ रहा है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक वर्ड दिया था इम्प्रूव, कि इसके अंदर उसने ये पूछा था कि कंसोनेंट में माइनस वन करना है, जो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एम है उसको माइनस वन करो तो क्या आएगा एल, और वॉवल में प्लस वन करना है मतलब आएगा जे, तो ऐसे इसको फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसमें पूछा कि फोर्थ फ्रॉम राइट एंड कौन सा था, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। उसके बाद गाइस एक क्वेश्चन था आपका केयरफुल, एक वर्ड दिया था उसमें से फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवेंथ लेटर निकाल के मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है, तो उसका आंसर काफ था CALF, और एक वर्ड नंबर था 6395718, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने बन रहे हैं पेयर वो था। एक क्वेश्चन था कोडिंग और डिकोडिंग का, ब्यूटी का कोई कोड दिया था, कमिंग का कोई कोड दिया था, फेमस का कोड उन्होंने पूछा था। गाइज यदि मैं बात करूं कहीं ना कहीं तो लोगों के मुझे सुनने को जो मिला कि सर रीजनिंग का सेक्शन काफी हमको इजी लगा, मैथ्स थोड़ा मॉडरेट लगा, जो कि डीआई जो थी, जो लाइन ग्राफ वाली डीआई थी वो कहीं ना कहीं टफ आ गई थी, कॉम्प्लिकेटेड डीआई थी। तो गाइज यदि मैं एक चीज बोलूंगा, यदि आज जो बंदा 52 से मतलब 50 प्लस से भी अटेम्प्ट करके आ रहा है, 52 से लेके 60 के बीच में अटेम्प्ट करके आ रहा है, कहीं ना कहीं वो मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दे। बहुत लोग बोलेंगे कि सर हमारे ऊपर हार्ड टर्म, बहुत लोग बोलेंगे कि आज के ऊपर हार्ड टर्म, मुझे नहीं पता कि कौन सा हार्ड था, सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। सो बाकी हम छोड़ देते हैं नॉर्मलाइज में रोल, क्योंकि वैसे भी आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं जून के फर्स्ट वीक में आउट हो जाएगा, 8-9 जून तक रिजल्ट आउट होने वाला है। सो टेंशन मत लो, मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं, टिल देन सी यू, जय श्री राम, राम राम एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय बाय।